सदी तो मैं शादी के लिए भी हूँ ना, हो रही है ना पर मेरी शादी। बाल विवाह पर टीवी शोज देखते वक्त ये थोड़ी ना पता था कि एक दिन मेरा ही बाल विवाह होगा। क्या करूँ मैं अब? लॉली देखो, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ ना, तो मैं सब प्रॉब्लम ढोली भी तो हम कह रहे हैं, दीवार पर सर मारने से दीवार नहीं टूटती, अपना ही सर फूटता है। और हुकुम तो दीवार नहीं चट्टान है, समझदारी इसी में है कि उनका कहा मान लो। अरे तो आपकी समझदारी घास चरने गई है क्या? मुझे नहीं करनी शादी। अरे ढोली, हमारे ध्रुव जी उम्र में भले ही बड़े हैं, लेकिन दिल से बच्चे ही हैं। दोनों धीरे धीरे एक साथ बड़े हो जाना, फिर घर बसा लेना। जी 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 जी, बहुत गंदी बात करते हो आप लोग, गंदे लोग। ढोली देखो, सारी बातें एक तरफ, पर ध्रुव जी सच में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनके साथ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी, वरना अगर नगर वधु बना दी गई तो बाहर दरिंदे नोच खाएंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ध्रुव जी से विवाह कर लो। तारा, तारा कहाँ गई यार? कोई तोड़ तोड़ कर तल तू, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये तो हल्दी का इतना बड़ा कटोरा लेकर तुम घूम रही हो। वो मैंने डॉली को बोला कि तुम शादी नहीं होने दोगी। तारा देखो, मेरा जो पिंकी प्रॉमिस है ना वो फ्री का नहीं है, पता तुम्हें? मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा डॉली को? मारे को माफ करना ध्रुव, पर इस बार मैं अपनी योजना थारे को भी ना बता सकती। बोलो बोलो, क्या सोचा तुमने? माफा, रात महल में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मारे चुटकू उस्ताद के होते हुए अन्याय कैसे हो सकता है राजमहल में? क्या क्या है? हम जादूगर के जादू या बच्चा बनने से पहले से बच्चे हैं, हाँ कि ना? अर्थात हम इनसे अनुभवी बच्चे हैं, हाँ कि ना? पहले हमारा विवाह होना चाहिए ना, इनका विवाह हो रहा है तो घोर अन्याय है। ए चुटकू उस्ताद, ए मारी, ऐसा है चुटकू उस्ताद, विवाह जिसका भी हो बाल विवाह अन्याय ही होता है। पता है विवाह कब करना चाहिए? जब आप बड़े हो जाओ और अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुन सको। आई समझ? जैसे बाबा सर आपने एक दूसरे को चुना पासा। जब हम बड़े होकर राजा बनेंगे ना, बाल विवाह पर रोक लगाने का आदेश पारित करेंगे। अरे ये पारित वारित क्या बोल रहे हो तुम? जब राजा बनोगे तो बनोगे ना, अभी तो ये लोग मेरी डॉली के साथ शादी करवा रहे हैं ना, उसका क्या मैं करूंगा? मैं जा रहा हूँ डॉली का ख्याल रखने। डॉली, 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 खुशियों की चाबी है और रास्ता महल के पीछे वाले द्वार की तरफ से। कहाँ है ये पीछे वाला दरवाजा? किस तरफ जाऊं? उधर जाती हूँ। डॉली, डॉली। लाओ ये हमें दो, हम रखें। हम
अधिक ध्यान रखेंगे जी। नहीं, हम अधिक ध्यान रखेंगे। नहीं, हम रखेंगे। मान बड़ा। ध्रुव को हल्दी की रस्म के लिए लेके आइए और आप दोनों डोली को लेकर आइए। जी। रानी से इस हल्दी को रोकने का पूरा प्रयास करेंगी। हमें हर हाल में इस हल्दी की विधि को संपन्न करना है। जी बस। रानी सा है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। बड़े अशुभ के लिए छोटा अशुभ तो करना पड़ता है। हल्दी के लिए की गई व्यवस्था पे जैसे ही धड़ाम से ये दिए गिरेंगे, धू धू करके आग लग जाएगी और हल्दी को टालना पड़ेगा। आई समझ। किस तरफ है ये पीछे वाला दरवाजा? कहाँ जाओ? पीछे का द्वार। यस 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 यस। रुकिए। हमारी कलाई पे राखी बांधी है आपने मीनाक्षी। जीवन भर कवच बन के सुरक्षा की है आपकी राखियों ने हमारी। उपकार है आपका हम पर। आपको यूं बंदी बनाना सरल नहीं था हमारे लिए, परंतु राजद्रोह एक गंभीर अपराध है। आपने शारीरिक नहीं मानसिक पीड़ा पहुंचाई है हमें। हम अपने और रानीसा के बीच किसी को नहीं आने दे सकते, आपको भी नहीं। इसीलिए देवगढ़ के राजा के ओहदे से हमने आपको बंदी बनाया है, परंतु आपका भाई होने के नाते हमें सुनिश्चित करेंगे कि आपको हर सुख सुविधा प्रदान हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। कारावास भेज दीजिए इन्हें। आपके प्रताप बड़ा समझे या ना समझे, मैं तो तुरंत समझ गई थी कि मीनाक्षी बाईसा ने आपका टिकरा अपने सर फोड़ लिया। ढोली को भगाने की योजना बनाई, इतना तिगड़म लगाया, तो मारे को तो बता देना चाहिए था। अवश्य बता देते, यदि तुमने अपनी योजनाओं के बारे में हमें बताना बंद कोनी किया होता। कई थी तुम्हारी वो योजना? मुनिवर चंदन जी, ये विवाह रद्द करने की जगह उन्होंने विवाह के पक्ष में निर्णय सुना दिया। हाथ जोड़कर माफी बाबू सर, पर अपनी खुराफातों के बारे में मैं तो आपको ना बता पाऊंगी। पर क्यों? क्योंकि आप पुत्र मोह में ऐसी लिपटी हुई हो कि बड़े फायदे के लिए उनका छोटा सा नुकसान भी ना झेल पाएगी। हमारे को पता है। कहीं करने जा रही हो तुम प्रताप बड़ा के साथ? हाथ जोड़कर माफी, पर ये तो ना बता पाऊंगी आपको। पता कोनी कई करने वाली है ये बिजली मारे प्रताप बड़ा के साथ। इस फैमिली में सब लोग इतने टेढ़े मेढ़े अजीब से क्यों है? वो प्रिंसेस दीदी ने खुद मुझे बोला कि बाबू सा की जगह उनका नाम लेने के लिए। क्यों? अरे मुझे क्या पता क्यों। क्या? मुझे तो येलो कलर होली में भी पसंद नहीं और हल्दी दूध में भी नहीं। अब ये येलो कलर की हल्दी पूरी बॉडी पे लगानी पड़ेगी। डॉली, हल्दी होती है वो तो एंटीसेप्टिक होती है ना? हाँ, वो एंटीसेप्टिक क्रीम समझ के ला लो। तो तुम ऐसा सोचो कि तुम ना स्पा में हो। या मेरी हालत खराब है और तुम स्पा की पड़ी है? देखो डॉली, मुझे ना तारा पे पूरा भरोसा है। वो हमें कुछ नहीं होने देगी। वो लाइए, हाथ दीजिए।
अति उत्तम। हम और रानी सा ध्रुव और ढोली की हल्दी करेंगे। इसी के साथ हल्दी संपन्न हुई। अब ध्रुव और ढोली के विवाह में विलंब नहीं होनी चाहिए। हम घोषणा करते हैं, आज शाम को ही ध्रुव और ढोली का विवाह होगा। तैयारी राजा बाबू, आपको बताना है मैंने क्या तैयारी कर रखी है। जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा आपको। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।